Assalamu Alaikum beautiful people welcome back to e -Saburg. myself Rihan, and today we are here with another tutorial guys in this tutorial we are going to start a series on pedology pedology is the scientific study of soil the series will be divided into different parts and in each part we will discuss a different aspects of soil like physical properties of soil which include soil texture soil structure soil density porosity consistence and soil color then we will discuss composition of soil which also includes organic matter inorganic matter water and air then we will discuss factors responsible for soil formation like relief parent or bedrock climate vegetation and other form of life time it provided maturities of soil and temperature, then we will discuss classification of soil like alluvial soil, black soil, red and yellow soil, literate soil, arid soil, and forest soil. And then we will discuss factors for soil degradation, which also include water erosion, wind erosion, salinity, water logging, degraded forest, shifting cultivation, mass movement, and then finally, we will discuss soil pollution. काजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इफेक्ट ऑफ सॉइल पोलूशन रोल ऑफ एंड इंडिविजुअल एंड प्रिवेंशन कंट्रोल मैजर एंड सम केस स्टडीज सो गाइज आप एंड तक हमारे साथ बने रहें अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें लाइक करें इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉइल तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सॉयल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज़ लूज फ्रेगमेंटेड एंड फाइन इट इज़ रिच इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इन ऑर्गेनिक मटीरियल्स एंड सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ इट कैन ऑल्सो भी डिफाइन एज ए मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल डैबरीज एंड ऑर्गेनिक मटीरियल्स हिमोस विज डेवलप ऑन दी अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट तो हमने क्या देखा है जो सॉल है ये जमीन की ऊपर वाली लेयर है जिसको हम पीढ़ी से फिर भी कहते हैं एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज इट कंटेन ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक मटीरियल्स या हम कह सकते हैं जो हमारे वैदर्ड रॉक होते हैं उनकी जो अपर लेयर होती है जो उनकी लेयर होती है उसी को हम सॉइयल कहते हैं सोइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस बिकॉज वी गेट आलमोस्ट ऑल ओवर फूड डायरेक्टली आर इनडली इट जिस तरह हमारे पास वेजिटेशन होती हैं विजिटेशन फ्रूट्स एंड अदर एनिमल प्रोडक्ट जो भी होता है वो हम सॉइल से ही ड्राइव करते हैं अगर इसकी कंपोजिशन देखें कंपोनेंट्स देखें तो इट हैज फोर मेजर कंपोनेंट्स। इन ऑर्गेनिक मटीरियल सॉयल वाटर सॉयल एयर एंड ऑर्गेनिक मटीरियल्स इन ऑर्गेनिक मटीरियल में क्या होता है द केमिकल कंस्टिटेंट्स ऑफ ए सॉयल टिपिकली कम फ्रॉम मेनी सोर्सेज The, weather, the weathering of rocks, deposit of loose sediments, the solution in water. Most of soil minerals are composed of elements common in earth surface rock. विच आर सिलिकॉन्स अल्मोनियम ऑक्सीजन एंड आयरन हमने देखा जो अर्थ का जो पेरेंट मटेरियल होता है वो राक होते हैं मतलब जो अर्थ जो हमारे पास सॉयल होती है वो राक से ही आती है इसमें जो भी वहाँ पे जो इन आर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं लाइक सिलिकॉन अल्मोनियम ऑक्सीजन आयरन इससे हमारी अर्थ बनती है जो दूसरा इंपॉर्टेंट कम्पोनेट है सॉइल का सॉरी वह है सॉइल वाटर हमें पता है जब प्रिसिपटेशन होती है तो मोस्ट ऑफ वाटर फूल आउट हो जाता है फ्लो हो जाता है फ्राम दिस स्लो बट जो वाटर फ्लो नहीं हो पाता ना वे ऑपरेट हो पाता तो वो क्यों हो जाता है जमीन के अंदर परकुलेट हो जाता है स्टोर हो जाते हैं जो तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सॉइल का वो है सॉइल एयर हमें पता है जो हमारी सॉइल है वो लूज है वो फ्रैगमेंटेड है और वो फाइन है इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं पोर्स होते हैं और वाइट्स होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर रहता है ये इसलिए रहता ताकि जो ऑर्गेनिज्म अर्थ में रहते हैं वो वहाँ पे ऑक्सीजन ले पाएँ या कार्बन डाइऑक्साइड को ले पाएँ जिस तरह प्लांट्स होते हैं ऑर्गेनिक मटीरियल ये भी हमें पता है कि जो हमारे पास डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जब वो ख़त्म हो जाते हैं सड़ गल जाते हैं ज़मीन के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वहाँ पे एज ए फर्टिलिटी एज़ ए ह्यूमस क्रिएट करते हैं एज ए ह्यूमस प्रोड्यूस हो जाते हैं वहाँ पे और वो फिर वो अर्थ की फ़र्टिलिटी को इनक्रीज़ कर देते हैं और अगर आप सॉइल की इंपॉर्टेंस को देखें तो इट हैज मैनी इंपॉर्टेंस लाइक इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सॉइल इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ जिस तरह ह्यूमन जो शेल्टर होता है वो ऑन द दॉयल होता है इस तरह जो प्लांट ग्रोथ होती है वो भी ऑन द दॉयल होती है इट्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ ऑफ कोर्स मच ऑफ आवर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड क्लोथिंग डायरेक्टली आर इन डायरेक्टली डिलीवर्ड फ्रॉम ऑफ ऑल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सॉयल स तो हमने देखा जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है इनफैक्ट उनमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सॉइल होती है सो so, अभी तक हमने देखा सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मिनरल्स गैसेज एंड लिक्विड एंड ऑर्गेनिजम ऑफकोर्स जिससे लाइफ एग्जिस्ट करती है ऑन दॉय इन दॉयल तो अगर इसके फंक्शन देखें तो इट हैज फोर मेजर फंक्शन फोर इंपॉर्टेंट फंक्शन एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एज ए मीन ऑफ वाटर सोटरेज सप्लाई एंड प्योरीफिकेशन एज ए मोडिफायर ऑफ अर्थ एटमोस एंड द फाइनल फॉर ऑर्गेनिज्म हमें पता है जो अर्थ है जो हमारी सॉइल है इसमें मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हैबिटेट वो होता है वो सॉइली हो जाती है सोयल एज ए हैबिटेट बन जाती है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए इट इज ए वेल नोन कोटेशन दैट ए बुक कैन नॉट बी जस्ट बाई इट्स कवर टू मेक ए प्रॉपर जजमेंट ऑफ द बुक वी हैव टू गो थ्रू द चैप्टर्स ऑफ द बुक सिमिलरली हम सॉइल की अपर लेयर देख के उसको जज नहीं कर सकते बट अगर हमें सॉइल के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो हमें उसके लेयर्स को स्टडी करना होती है और इसीलिए कंसेप्ट आ जाता है सॉइल प्रोफाइल का एक्चुअली सॉइल इज मेड अबाउट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल्स लेयर द सॉइल प्रोफाइल इज ए वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल दैट डिपिक्स ऑल द इट्स हॉरिजो

सोइल इज मेडअप ऑफ डिफरेंट हॉरिजोन्स एक्चुअली डिफरेंट हॉरिजेंटल लेर्यस दीज लेयर्स आर कल्ड हॉरिजोन्स जो हमारी सॉइल होती है ये डिफरेंट हॉरिजेंटल लेयर की बनी होती है और जिसकी हम हारिजोन्स कहते हैं ये अरेंज करती है फ्राम द टॉप सॉफ्ट हिमस लेयर टू द बेड रॉक और इसमें डिफरेंट लेयर आ जाती है दो तो पहली लेयर आ जाती है जो हॉजेंटल पहली लेयर आ जाती है उसका हम ओ हॉरिजोन्स हो कहते हैं यह टॉप होती है दॉप ऑर्गेनिक लेयर ऑफ सॉइल इज डार्क एंड कलर मेड अप ऑफ मोस्टली फीफ लिटर एंड हेमस डी मेटीरियल डैट मेक दॉयल फिटाइल जो हमारे पास सबसे पहले लेयर आ जाती है उसका हम ओ हॉरिजन्स कहते हैं और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इसमें डेड एंड डिकर्गेनिज्म होते हैं जहाँ से हिमस प्रोवाइड होता है प्रोड्यूस होता है और ये बहुत ही ज्यादा फिटाइल लेयर होती है इसका हम फिटाइल लेयर भी कह सकते हैं इसके बाद जो लेयर होती है उसको हॉरिजन ए कहते हैं ए हॉरिजन दिस लेयर कॉल्ड टॉप सॉयल सीड जर्मिनेट्स एंड प्लाट रूट ग्रो इट इज मेड अप ऑफ ह्योम मिक्सड विद मिनरल्स पार्टिकल इट इज़ सॉफ्ट एंड पोरसलियस इट इज़ शेल्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम लाइक वर्म्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म तो हमने जो हॉरिजन ए देखा है एक्चुअली यहाँ पर प्लांट की जर्मिनेशन होती है सीड यहाँ पर फूलता फूलता है और यहाँ पर एक्चुअली इट इज़ द हैबिटेट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनका हैबिटेट यही होता है और यहाँ पर मिनरल्स और आर्गेनिक मटेरियल मिलकर सॉयल को फिर टायल कर देते हैं हॉज बी होते हैं जो ए के नीचे आता है इट्स आल्सो कॉल्ड इट्सो सब सोइल अब जो सब सोइल होती है ये हॉरिजोन ए के नीचे होता है और यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो पर्कुलेशन की वजह से हॉरिजोन्स ए से आता है और यहाँ पे ये सॉइल थोड़ी सी हार्ड होती है यहाँ पे सिर्फ जो बिगर प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स यहाँ पे, पे पेनिट्रेट कर पाती हैं उसके बाद जो हॉरिजन सी होती है इसको रेगुलर लेयर भी कहते हैं और जो हमारे पास आर हॉरिजोन्स होते हैं इसको हम बेड रॉक आर व्हाइट गाइज तो आज हमने स्टडी किया सॉयल उसकी डिफिनेशन हमने देखी फिर हमने कंपोजिशन ऑफ सॉयल एंड देन सॉयल प्रोफाइल हमने स्टडी किया हमारी जो नेक्स्ट वीडियो की उसमें हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल एंड सॉयल फॉर्मेशन अगर गायज आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें हमारी वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आए तो लेट्स मीट इन दी कमेंट सेक्शन हैव ए नाइस टाइम अड